Hey guys, welcome back to my channel. मैं फोनिका, आप देख रहे हैं राउत फैमिली ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है उसको स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग टाइम से। अभी रात हुई, मतलब मॉर्निंग हुई भी नहीं है सही से, अभी अंधेरा ही रुका है और टाइम हो रहा है 5:30। तो 5:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं आज यहाँ से दिल्ली। तो बस वही, ये तीनों आगे जा रहे हैं और बैग पकड़ो अपना बैग पकड़ो इसको पकड़ो बेटा, पकड़ के रखो। मास्क दे दे मेरा, मास्क दे दो मम्मी का है वो, मम्मी का है बेटा, घूमना कर देना। मम्मी का दे दो, मास्क दे दो बेटा मम्मी का। अब दो मम्मी का, लेस लगी एक का दो यू है, एक का दो। हां कहां जाना है अब? डॉगी है उधर, उनके पास नहीं जाना, पास नहीं जाना उनके। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और जैसा कि अभी का है ही डॉगी। जैसे इसको डॉग वगैरह दिखती है बस फिर को उनके पास लेके चलो। तो यही एक दो डॉग दिख रहे थे इसको पास में ही, तो वहाँ मैं उसको लेके गई थी थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो फिर वो लड़ाई करने लगे तो मैं उसको इधर लेके आ गई एंड अभी वेट कर रही हूँ अपनी ट्रेन का। वैसे तो टाइम है उसका 6:05 का है, 6:05 पर वो यहाँ पहुँच जाती है। बट अभी क्या है कि थोड़ा सा लेट है, मतलब आधा घंटा ट्रेन लेट है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 15-20 मिनट हमें और वेट करना पड़ेगा ऐसे ही यहाँ। तब तक बस वही था, अभी को घुमा ही रहे थे इधर उधर। कभी राहुल के पास जा रही थी घूमने के लिए, डॉगी दिखाओ, कभी इनके पास, बस वही अभी को ही लेके घूम रहे इधर उधर। और अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का। थोड़ा वेट करने के बाद ट्रेन आ चुकी है तो अभी चलते हैं ट्रेन में। और ये तो यहीं तक आए थे हमें छोड़ने के लिए, तब मैं राहुल और रवि हम ही जा रहे थे तीनों दिल्ली। ये तो छोड़ने के लिए आए थे कि ट्रेन में बिठा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेन 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकती है और हमारे पास बैग भी थे ही भारी भारी से। तो उनका था कि ट्रेन में बिठा देंगे हम वे, तो फिर वो आराम से यहाँ से घर चले जाएंगे। और अभी फर्स्ट ट्रेन जैसी रुकती है हम यहाँ से चलते हैं। एंड पापा ये वाला जो व्यू है बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड इससे पहले तो आधा एक घंटा पहले तो और भी अच्छा व्यू था, बिल्कुल कोहरा कोहरा लगा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। अब तो थोड़ा सा कम हो गया है बट आधे घंटे पहले से और भी ज़्यादा था। वो मैंने उस टाइम पे शूट नहीं किया क्योंकि मैं अभी को सुटा रही थी, अभी वो आज जैसे जल्दी उठ गई है, मतलब आने के चक्कर में थोड़ा सा इन्होंने उसको जल्दी उठा दिया, नहीं तो वो इतनी जल्दी उठती नहीं है। तो उसको ना नींद आ रही थी तो उस टाइम पर मैं उसको सुला रही थी थोड़ा सा अभी को। वो वाला सीन तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई बट ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। मतलब कोहरा लगा हुआ ना तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। खेत तो इतने लंबे चौड़े खेत, मतलब ये चीज़ें यहीं देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में इतने लंबे लंबे खेत नहीं मिलते देखने के लिए, क्योंकि वो पहाड़ टाइप का है, पहाड़ी साइड है ना, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती। और जो वहाँ जैसे पहाड़ है वो यहाँ कभी नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पर दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जैसे कि अभी ये वाला व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि इस टाइप का देखने को हमें नहीं मिलता अपने उत्तराखंड में। और जो जैसे कोई उत्तराखंड जाएगा तो उन्हें वो वाला व्यू नहीं मिलेगा, तो उन्हें वो चीज़ें ज़्यादा सुंदर लगेंगी। अब पापा कैसे खाते हैं? अब भाग क्या है, डॉगी कहाँ है आपके? कहाँ है आपके डॉगी? कहाँ है डॉगी? कहाँ है आपके डॉगी? कहाँ है बताओ?
कैसे होते तो अभी उठ चुकी है और अभी तक मैं थोड़ा सा शूट करी थी। अभी अभी ने खुद से कैमरा पकड़ा हुआ है, अभी वो खुद से कर रही है, तो मुझे लगा ये वाला मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ व्लॉग में। अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एंड जस्ट अभी ट्रेन से उतरे हैं एंड अभी घर पहुंचने में भी हमको 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और ये अभी डांस कर रही है। पहले तो रो रही थी क्योंकि उसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, फर्स्ट टाइम यहाँ आई है इस वजह से। और मैंने 2 पहनाए हुए थे, उसको 1 मैंने निकाल दिया क्योंकि ये मतलब यहाँ थोड़ी सी गर्मी है इस वजह से मैंने। बस वही इतना ही डांस करना है वो, और बहुत ज़्यादा जो हम थक चुके हैं। तो अभी इस व्लॉग का मैं ही पैन कर देती हूँ, बहुत छोटा सा व्लॉग बनाई बट उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इस व्लॉग का यहीं पे कर देती हूँ एंड मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।